हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। दिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी अपडेट से जो कि जुड़ी हुई हैं WWE और AEW दोनों से, जिसमें मैं कवर करने वाला हूं लेटेस्ट अपडेट्स को। तो बने रहे मेरे साथ वरना बहुत कुछ आज आप मिस कर जाएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं WWE से जुड़ी बड़ी अपडेट से। WWE के फॉर्मर चैंपियन राइनो ने WWE को छोड़ने का मन बना लिया है। पिछले कुछ टाइम से काफी सुपरस्टार को लेके ऐसी अपडेट आ रही हैं। बताया जा रहा है कि WWE ने राइनो को करंट सैलरी से दुगना प्राइस ऑफर करा था, बट राइनो ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने से मना कर दिया है और उनका कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 2019 में खत्म हो रहा है और उसके बाद वो हमें WWE में नहीं दिखाई देंगे। वैसे भी वो हमें WWE में ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं। राइनो का रेसलिंग करियर काफी शानदार रहा है। उन्होंने WWE, ECW, WCW, ROH, इम्पैक्ट रेसलिंग जैसी कंपनी में काम करा है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बेहतरीन रेसलर रहे हैं। बट पिछले कुछ सालों से WWE में वो बहुत कम दिखते हैं और उन्हें अब मौके भी नहीं मिल रहे हैं। राइनो ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अब इंडिपेंडेंट रेसलिंग की तरफ जा रहे हैं। WWE के बड़े ऑफर को मना करने के पीछे उन्होंने रीजन बताया कि मुझे घर बैठे बैठे पैसे नहीं चाहिए, मुझे काम करना है और WWE में अब मेरे लिए काम नहीं है और ना ही WWE मुझे काम दे रही है। वैसे आपको बता दूं, राइनो दिसंबर 2018 से टीवी पर नहीं देखने को मिले हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि जुड़ी हुई है AEW से और वर्ल्ड फेमस रेसलर क्रिस जेरिको से। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने इस टाइम AEW का दामन थामा हुआ है और इस मंथ में AEW का बड़ा इवेंट डबल और नथिंग होने वाला है। इस इवेंट के लिए AEW जमकर तैयारियां कर रही है। इस इवेंट से पहले हाल ही में क्रिस जेरिको ने AEW के एम्प्लॉई और एसोसिएट प्रोड्यूसर पर जबरदस्त अटैक करा। क्रिस जेरिको ने उन पर चेयर से जबरदस्त अटैक करा। आप सभी को बता दूं, क्रिस जेरिको AEW में काफी बड़े सुपरस्टार के तौर पर प्रोजेक्ट करे जा रहे हैं। आने वाले AEW के बड़े इवेंट में क्रिस जेरिको का मैच मेन इवेंट में केनी ओमेगा के साथ है और हाल फिलहाल क्रिस जेरिको AEW में सबसे बड़े हील के तौर पर देखे जा रहे हैं और कंपनी उन्हें प्रोजेक्ट एक हील के तौर पर ही कर रही है। वहीं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गोल्डबर्ग से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोल्डबर्ग WWE में वापसी करने वाले हैं, वो भी सऊदी अरेबिया के इवेंट के लिए। गोल्डबर्ग की वापसी से फैंस काफी खुश हैं, बट आपको बता दूं, गोल्डबर्ग WWE में वापसी तो कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं WWE उनको लेके काफी परेशान है। वो इसलिए क्योंकि गोल्डबर्ग की वापसी के बाद अपडेट ऐसी थी कि उन्होंने WWE के साथ एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने केवल WWE के साथ एक मैच के लिए डील साइन करी है जो कि सऊदी अरेबिया में होना है। मतलब साफ है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए WWE में नहीं आ रहे हैं। WWE परेशान इस बात से है कि गोल्डबर्ग को AEW से भी ऑफर है और WWE को अब डर सता रहा है कि कहीं गोल्डबर्ग AEW में जाने का मन तो नहीं बना चुके हैं, जिस वजह से वो WWE के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट लंबे टाइम के लिए साइन नहीं कर रहे हैं। गोल्डबर्ग की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और उसी को कैश करने के लिए WWE और AEW दोनों ही कंपनियां लगी हुई हैं। कुछ रूमर्स तो ये भी कह रहे हैं कि गोल्डबर्ग शायद AEW में जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो WWE के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। पिछले कुछ टाइम से WWE अपने सुपरस्टार को कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े प्राइस ऑफर कर रही है, बट उसे सोचना चाहिए कि न्यू जनरेशन के सुपरस्टार काम चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिल रहा है और इसी वजह से वो कंपनी छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। तो फ्रेंड, ये थी WWE और AEW से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।